हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 की भर्ती प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चल रही है और उसी क्रम में आपका अभी क्या आना है, आपकी शॉर्ट लिस्ट तय कर दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग अब जो है उसके बाद आपका जो चरण है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपका जो मेडिकल प्रक्रिया वो होनी है। इससे पहले 20 सितंबर 2019 को आपकी जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया था उन कैंडिडेट्स को जिन लोगों का होना था आपका फिजिकल। तो फिजिकल में जो लोग क्वालिफाई हुए हैं उन लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। इसके लिए लगभग 4 गुना बच्चे अभी तक बचे हुए हैं जो वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं 2 लाख से अधिक बच्चे जो हैं इसके लिए क्वालिफाई हैं फिलहाल के लिए। और ये जो है इस बार जो है आपका 4 चरण में होगा, जैसा कि एसएससी की अंदर से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि 4 चरणों में आपका जो है ये जो संपूर्ण प्रक्रिया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल की होगी। किस प्रकार से होगा? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। इसमें क्या होगा, पहले चरण में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपका जो मुख्य रूप से होंगे वो दस्तावेज चेक होंगे, जैसे आपका 10th के जो आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट है 12th के हैं और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चेक होगा और आपका जो है निवास प्रमाण पत्र भी चेक होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको स्टेट वाइज जो कट ऑफ बनेगी, अर्थात जहां आपने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया है नक्सल प्रभावित क्षेत्र से संबंधित हो उसका निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट उन लोगों को चाहिएगा जो इसमें रिजर्वेशन के जिन्होंने अप्लाई किया था फॉर्म भरते समय। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका ज़्यादा पुराना ना हो, वो जो है 2019 के अंतर्गत बना हुआ होना चाहिए। ये जो है निवास प्रमाण पत्र आपका 2012 के बाद का चल जाएगा, जो आपका जिसका वेरिफिकेशन हो सकता है, सत्यापन हो सकता है, वो निवास प्रमाण पत्र आपका चल जाएगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हमारी हाइट और चेस्ट वगैरह भी नापी जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, जो आपकी हाइट जो आपने पहले फिजिकल के समय नपवाई थी वो हाइट ही वहाँ पर आपके जो दस्तावेज हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके होंगे आपका कंप्यूटर पर और उसी के अकॉर्डिंग आपका डाटा चढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ हाँ, आपका जो होगा वो होगा थंब इम्प्रेशन। तो थंब इम्प्रेशन आपका जो होगा उसमें आपका जो है अंगूठे का निशान लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि धांधली से आपको बचाया जा सकता है, कहीं कोई कैंडिडेट आपकी जगह जो है फिजिकल ना दे रहा हो या आपका जो है मेडिकल देने के लिए ना आ जाए, तो उस तरीके की धांधली से बचने के लिए आपका थंब इम्प्रेशन होगा। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स जो है सत्यापित किए जाएंगे, जो भी जहाँ भी आपका सेंटर बनाया जाएगा मेडिकल का, तो सबसे पहला चरण जो है आपका डॉक्यूमेंट्स का होगा। और इसमें जिन लोगों ने जो है वेटेज के सर्टिफिकेट लगाए हैं जैसे एनसीसी वगैरह, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है विशेष अर्हता दी जाएगी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो दस्तावेज हैं वो यही हैं ऊपर वाले, तो इन्हें आप अपना तैयार रखें। दूसरा जो चरण है वो सर्जिकल जाँच होगी। सर्जिकल जाँच में क्या होगा कि आपका CMO लेवल का जो भी जिस विभाग में भी आपका जो है मेडिकल होगा, जैसे CRPF है और आपका जो है ये है आपका CISF है या SSB है या फिर आपका BSF है, किसी भी सेंटर पर आपका जो है ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल की प्रक्रिया अपनाई जाएगी इन्हीं में से। और उसी जो सेंटर का जो अधिकारी होगा वो CMO लेवल का होगा, क्योंकि सभी में जो है मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। CMO लेवल का जो आपका ऑफिशियल्स होगा वो आपकी जांच करेगा। इसमें सर्जिकल जांच में क्या होगा, आपकी शारीरिक अंगों की जो है बाहरी जांच होगी, जिसमें मुख्य रूप से आपका जो है आँखों के जो 3 प्रकार के टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, नंबर 1 आपकी जो है आँखों की क्षमता चेक की जाएगी 6x6 और 6x9 दूसरी आँख से होनी चाहिए, दूसरा नंबर पर आपका कलर विजन चेक किया जाएगा और तीसरे नंबर पर जो है आपकी जो आँखों
आपकी आंखों में जो है इससे पहले भेंगापन या कुछ इस तरीके की तकलीफ तो नहीं है, या फिर आपकी आंखों में कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी हुई है। दूसरा है आपका कान की जांच की जाएगी। कान की जांच में आपका जो है पर्दा कान का चेक किया जाएगा, कहीं खराब तो नहीं है। तीसरा है आपका जो चेक होगा वो आपकी हड्डियां चेक होगी, चाहे वो हाथ की हो या पैर की हो, जो आपकी टूटी हुई तो नहीं है। अंग आपकी चेक होंगी, अर्थात अंगुलियां आपकी चेक होंगी। इसमें जो है मुख्य रूप से किसी के हाथ या उंगली वगैरह जो है कुछ कट जाता है किसी कारण से, या तिरछा बंका हो जाता है, तो वो भी जांच आपकी होगी। जो आपका होगा फ्लैट फुट की जांच होगी, सपाट पैर की जांच होगी। पैर में आपका जो है सपाट नहीं होना चाहिए, जो आपका पैर होता है नीचे से बिल्कुल फ्लैट ना हो, उसमें इस तरीके का थोड़ा बहुत बैलेंस ऊपर नीचे का होना चाहिए, ये भी चेक की जाएगी। घुटनों की जांच आपकी की जाएगी, आपके घुटने जो है दोनों आपस में मिलते तो नहीं हैं। साथ ही साथ वेरिकोज की जांच की जाएगी, अर्थात नसों की जांच की जाएगी। आपकी जो नसें आपकी उभर आती हैं गोडे से नीचे, जो आपका टांग का भाग होता है उस पर नसें उभर आती हैं, वो चेक किया जाएगा। साथ ही साथ आपके गुप्तांगों की भी जांच होगी। ये सभी जांच जो है सर्जिकल जांच के अंतर्गत आएंगी। तो ये जो है द्वितीय चरण में होगा, जब आप इसको, ये आपके चारों चरण निश्चित ही होंगे। यदि आपने इसमें कोई दिक्कत है तो आपको आगे की प्रक्रिया है वंचित कर दिया जाएगा, बाकी तीन चरण में आपका नहीं होगा। दूसरी जांच सभी की होगी, चाहे भले ही आप इसमें किसी भी प्रक्रिया में फेल हो तो सभी की जांच हो जाएगी। उसके बाद जो है वो आपका जो CMO लेवल का जो भी अधिकारी होता है वो आपके इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको क्लियर और नोट क्लियर लिख देता है, अर्थात कहाँ आपका पॉइंट बन रहा है, किस पॉइंट में आपकी जो है कमजोरी है, वो साथ के साथ लिखते रहते हैं। इसके बाद तीसरा चरण होगा, आप भले ही इनमें किसी भी प्रक्रिया में चाहे आप फेल हो, लेकिन आपका तीसरा चरण निश्चित होगा। उसमें हॉस्पिटल की जांच होगी। हॉस्पिटल की जांच में देखिएगा, तीन प्रकार की आपकी जांच होगी। नंबर एक होगा आपका पेशाब का टेस्ट। पेशाब टेस्ट, ये जो हॉस्पिटल है इन लोगों के पास मुहैया नहीं होते हैं, तो ये जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट किए हुए होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जो है अपनी गाड़ी के अंदर बैठाकर ले जाया जाएगा, जो उनकी खुद की होती है, वहाँ पर आपका जो है पेशाब का टेस्ट होगा। दूसरे नंबर पर आपका जो है खून का टेस्ट होगा, और तीसरे नंबर पर आपका जो होगा चेस्ट का एक्सरे होगा। तो ये तीन प्रक्रिया आपकी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर होंगी, और इनका जो है आपका जो टेस्ट होंगे वो हॉस्पिटल के अंदर होंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी। तो इस प्रक्रिया में लगभग शाम के 6 से 7 तक आपको बच जाएंगे, एक ही दिन में आपका जो है पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। तो एक दिन का ये पूरा कार्यक्रम आपका होगा, और उसी में जो है सुबह से आपको 6 बजे से बुलाया जाएगा, और लगभग ये शाम के 6 से 7 PM तक आपको छोड़ देते हैं। उसमें क्या होगा, लास्ट में जो है ये कुछ नाम बोलेंगे। अंतिम जो आपका चरण है, चौथे चरण में कुछ नाम आपको कैंडिडेट्स के बोले जाएंगे और उनके रोल नंबर बोले जाएंगे, उनको जो है वहीं पर रख लिया जाएगा। सपोज कीजिए आपके 100 कैंडिडेट्स हैं, 100 में से 10 के नाम ये लोग बोलेंगे, या जिस तरीके से भी जो भी कैंडिडेट फेल होंगे उनके नाम बोले जाएंगे, उनके अनाउंस किया जाएगा, उनको वहाँ पर रोक लिया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि आपके जो रिजल्ट आया हुआ है आप उसमें जो है फेल हो, और आपके जो शारीरिक पार्ट हैं उनमें ये कमजोरियां हैं, अर्थात ये आपको जो है अनफिट किया गया है, वो किन कारणों से किया गया है, वो कारण आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि यदि आप अपना दोबारा मेडिकल कराना चाहते हैं, आप जो है जांच से संतुष्ट नहीं है मेडिकल की, तो आपको जो है एक फॉर्म दिया जाएगा, और उस फॉर्म में जो है आपको 40 दिन के अंदर अपना दोबारा से उस पर, वो जो आपको फॉर्म दिया जाएगा उस पर किसी अच्छे MBBS डॉक्टर की जो है मोहर लगी हुई होनी चाहिए कि हाँ इस बच्चे की ये शारीरिक जांच में जो है डॉक्टर ने चूक कर दी गई है और ये अंग सही है, आप इसका दोबारा से मेडिकल कराइए, तो आप उसको भेजना होगा। ये जो भेजने का सिस्टम है ये प्रत्येक स्टेट वाइज अलग अलग, उसी पर आपका पता लिख दिया जाएगा कि आप
तो इस तरीके से अंत में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।